हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिलाष मिश्रा, मेरे यूट्यूब चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें। हम लोग कंप्यूटर से रिलेटिव और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटिव आपके लिए डेली वीडियोस लाते हैं और आपको इंग्लिश स्पीकिंग का भी प्रोसेस जो है वो सिखाने का, वो भी आपको सिखाया जा रहा है। और ऐसे ही हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड डेली क्लासेस की वीडियो लाते लाते रहेंगे और आपको उसको एंजॉय करते रहें और आप बढ़िया से सीखते रहें। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरा यूट्यूब चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस के नाम से है, वही उस पर आपको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने फेसबुक अकाउंट से भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब मिलें और हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो कि हाँ, हमारी वीडियो ज़्यादा देखी जा रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिन्होंने नहीं किया अभी तक, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी उनके फ्रेंड्स हैं आप उनको भी बता दें। तो चलते हैं, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के अंदर जो हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आज हम उन्हीं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। हमारे कंप्यूटर में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया अभी। एक होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे पेंट है, नोट पैड है, वर्ड पैड है, ये डॉस है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आते हैं। और हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिसे कंप्यूटर में डालने के बाद इंस्टॉल करने पड़े, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आइए आज मैं कंप्यूटर में आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना सिखाते हैं। तो चलिए आइए हम जानते हैं अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर कैसे होगा। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि मोबाइल के अंदर एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, सभी ने देखा है। उसी के प्रकार कंप्यूटर में भी एक सेटिंग का जो ऑप्शन होता है वो कंट्रोल पैनल होता है। तो आइए हम सबसे पहले कंट्रोल पैनल में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद कंट्रोल पैनल। ये हमारा कंट्रोल पैनल खुल के आ चुका है। एक हमारा शॉर्ट तरीका और भी होता है कंट्रोल पैनल का, अगर हमें डायरेक्ट कंट्रोल पैनल में निकालना होता है तो हम स्टार्ट पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम कंट्रोल पैनल लिख देंगे कंट्रोल, तो हमारा ये कंट्रोल पैनल ये भी हमारा खुल जाएगा कंट्रोल पैनल के हिसाब से। कंट्रोल पैनल भी हमारा जो भी खुल के आ जाएगा। उसी के साथ अगर हमें नहीं खुलता है, अगर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर पे जाएंगे। इसके बाद देखो आपने जैसे भी करोगे ओपन कंट्रोल पैनल, तो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। तो हमने सबसे कंट्रोल पैनल को खोलने के लिए सीधे हमें स्टार्ट पे जाओगे, यहाँ पे साइड से जो आ रहा है इस पे कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर दो। इसी हमारा कंट्रोल पैनल क्लिक करेगा तो देखो यहाँ पे जो मैंने जो हमारे आइकन जो आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा रखा है, देखो लार्ज आइकन कर रखे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या है स्मॉल कैटेगरी में कर देता हूँ। तो कैटेगरी में क्या है कि पूरा भंडार जो खुला हुआ होता है वो सबको कैटेगरी में डिवाइड हो गया, कि जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी हो गई तो इसकी एक पूरी कैटेगरी बन गई कि सिस्टम एंड सिक्योरिटी एक कैटेगरी, इसके अंदर जो भी है वो। ऐसे मैं प्रोग्राम्स के अंदर आ गई, तो प्रोग्राम्स के अंदर अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे मैं क्लिक करूंगा अगर मुझे प्रोग्राम को रिमूव करना है। तो अनइंस्टॉल प्रोग्राम पर मैंने जैसे क्लिक करा, अब मुझे यहाँ में से जिस प्रोग्राम को रिमूव करना है उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करना होगा। कुछ जैसे मुझे किसी भी प्रोग्राम को रिमूव करना है, तो अब मैं उस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए आइए सबसे पहले मैं आपको फोटोशॉप जो है एडोब फोटोशॉप, इसको अनइंस्टॉल करना बताता हूँ। तो इस पर इसे सेलेक्ट कर लिए, जैसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा तो ऐसे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अनइंस्टॉल करने के बाद वो पूछ रहा है, कभी कभी मैं धोखे में भी अनइंस्टॉल पे क्लिक हो जाता है तो ये भी ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ पे श्योर पूछता है कि आप श्योर हो अनइंस्टॉल करने के लिए, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे, हमें श्योर हूँ। तो अनइंस्टॉल की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखो अनइंस्टॉल की प्रक्रिया स्टार्ट, इस चीज को देखो जो बिंदिया आ रही है, ब्लू वाली पट्टी आ रही है, इस चीज की धीरे धीरे जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, धीरे धीरे जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रोसेसिंग करते हैं। तो अभी हमारे सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल होने की प्रोसेसिंग चल रही है और ये थोड़ी बहुत देर में अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। देखो यहाँ पर मुझे ऑल पे करना होगा, यस टू ऑल, और मुझे यस करना होगा।
अब मेरी जो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत जल्दी ही अनइंस्टॉल हो जाएगा। देखो नीचे लिखा हुआ आ गया अनइंस्टॉल सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो मुझे यहाँ पे ओके करना होगा। तो देखो मेरे यहाँ से ये जो फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर था वो मेरे टास्क में, मतलब जो प्रोग्राम थे हमारे, वहां से डिलीट हो चुका है। अब मुझे इसी को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें पहले अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर लो। इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हमारे पास पेन ड्राइव होनी चाहिए, पेन ड्राइव में वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ होना चाहिए। अगर वो सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव पर नहीं पड़ा हुआ होता है तो हमारे कंप्यूटर में कोई सी भी ड्राइव में हम लोग उस सॉफ्टवेयर को डाल लेते हैं, तो वहां से आपको निकालने के बाद तभी आप कर सकते हो। चलो आइए, अब मैंने एक ड्राइव में फोल्डर डाल रखा है इसको सॉफ्टवेयर को, तो वहां से निकाल दे। मैं आई कंप्यूटर में जाऊंगा, लोकल डिस्क डी ओपन करूंगा, इसी में मैंने एक सॉफ्टवेयर के नाम से फोल्डर बना रखा है। तो देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है एड अ फोटोशॉप 7 फाइनल, तो इस पर मुझे क्लिक करना होगा। इसी में इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे फिर इसके सेटअप पे जाना होगा। इसका सेटअप ये आ रहा है, तो सेटअप से पहले मुझे इसके सीरियल नंबर को कॉपी करना होगा ताकि हमें बाद में जो सीरियल नंबर मांगती है तो मैं वहां पर सीरियल नंबर डाल सकूं। तो इसको कॉपी करने के लिए आप इसी पे सेलेक्ट करने का राइट क्लिक करोगे, कॉपी कर लोगे और इसको यहाँ से कट कर दोगे। अब मुझे यहाँ सेटअप पर जाके इसको डबल क्लिक करना होगा ताकि ये सेटअप खुल जाए। तो अब मुझे यहाँ पे यस करना होगा। जैसे मैं यस करूंगा तो ये 101% हो जाएगा, फिर इंस्टॉल होने लगेगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अभी हम लोग थोड़े बहुत दिनों में CCC के ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग डालेंगे, क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं CCC में, उससे भी रिलेटेड हैं। और जो भी टैली भी टैली है, DTP है और DTP और ये EDC वगैरह, इन सारे कोर्सों की भी मतलब आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम ओके करेंगे, फिर हम यहाँ पे US इंग्लिश सेलेक्ट करके ओके करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब मुझे यहाँ पे जो मैंने सीरियल नंबर मांग रहा है वो मैंने वहाँ पे कॉपी कर रखा है, तो मैं यहाँ पे इसी पर राइट क्लिक करके क्या कर दूंगा, मैं पेस्ट कर दूंगा। ये हमारे सारे में अपने आप ही फिल हो गया। फिर मुझे नेक्स्ट करना होगा, फिर मुझे यस करना होगा, फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, जो जितनी बार नेक्स्ट मांगेगा आपको नेक्स्ट करना ही होगा। जब नेक्स्ट करने के बाद में आपको जैसे हम नेक्स्ट कर देते हैं, उसके बाद आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लगा। अब ये 101% जो परसेंटेज चल रही है इसको 100% होगा तब ये इंस्टॉल हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे कंप्यूटर में आ गया या नहीं आया है, ये कैसे आएगा, कहाँ पे लिख लेगा, ये मैं आपको पूरा भी बताता हूँ। अभी से आप इंस्टॉल होने, तब तक आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को मिलती रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिस्कस करना हो तो आप कमेंट में उस प्रॉब्लम को लिख दें कि सर हमें इस टॉपिक से रिलेटेड हमें वीडियो चाहिए, तो आपको वो भी वीडियो मिलती रहेगी। अभी 78-80 हो गया है और धीरे धीरे ये 100% हो जाएगा। 100% होते ही ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखो आपने लिखा होगा यहाँ पर सी प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है, इसका जो इसकी जो इंस्टॉल हो रहा है वो रैम की मेमोरी पे जाके इंस्टॉल हो रहा है और ये लोकल डिस्क जो होती है हमारी सी उसमें जाके ये इसका प्रोग्राम की फाइल बन रही है। कोई 100% हो गया। अभी लिख ये अभी यहाँ पे क्या होगा, फिनिश करना होगा। फिनिश करने के बाद ये आ गया, देखो थैंक यू फॉर चूज एड अ फोटोशॉप, तो यहाँ पे मुझे क्लोज करना है ऐसे भी और मैं ओके कर दूंगा। ओके करते ही मेरा ये फोटोशॉप वाला जो है ये कट जाएगा। अब मुझे देखना क्या है, देखो आपको मैंने रन कमांड समझाई है, रिफ्रेश कर लेते हैं। विंडो प्लस आर करेंगे, जैसे मैं विंडो प्लस आर करूंगा यहाँ फोटोशॉप लिखूंगा और मैं ओके कर दूंगा। अगर मेरा फोटोशॉप इंस्टॉल हो गया होगा तो मेरे डेस्कटॉप पे खुल जाएगा, अगर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो मेरे डेस्कटॉप पे नहीं खुलेगा। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो चुका है, मैंने जो सॉफ्टवेयर डाला था वो इंस्टॉल हो गया और ये मेरे डेस्कटॉप पे खुल चुका है। देखो
थोड़ा ये प्रोसेसिंग हो रही है, इसकी खुलने की प्रक्रिया को जो हम कहते हैं थोड़ा प्रोसेसिंग, थोड़ा प्रोसेसिंग को हिंदी में कहते हैं प्रतीक्षाएं। तो यहाँ से देखो ये खुल चुका है, अब मुझे इसको क्लोज करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज इसको बताएं और कमेंट में इसका फीडबैक दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।